all, I'm Devita Bargia and I post content around skincare, beauty and fashion. Welcome and welcome back to my YouTube channel. So today's video is a demanded video from few of my audiences या जिन्होंने shorts पे comment किया था कि PCOD क्या होता है, क्योंकि मैं बहुत बार मेरे video में बोल चुकी हूँ कि I am suffering from PCOD. So कुछ लोगों को doubts थे PCOD होता क्या है, कैसे identify होता है, आप क्या करते हो उसको treat करने के लिए. Honestly, आपको मेरा चेहरा देख के समझ आ ही रहा होगा कि मैं जो भी कर रही हूँ दैट इज नॉट गोइंग इन द करेक्ट डायरेक्शन. मे बी बिकॉज आई स्टार्टेड रिसेंटली या मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ. सो द मेन थिंग इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ योर थिंग्स, विथ योर गुड हैबिट्स, देन ओनली इट विल शो रिजल्ट्स ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी एंड इन योर जनरल लाइफ. एंड इट इज़ रेनिंग वेरी हैविली बाहर, तो आपको थोड़ा बारिश का साउंड आ रहा होगा, ASMR लेके उसको इग्नोर कर सकते हो आप. स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज PCOD. सो PCOD फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम होता है. सो ये बेसिकली वुमेन को ओवरीज में होता है, गर्ल्स या वुमेन को ओवरी में होता है. एंड दिस इज कॉज्ड मे बी बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर्स और दिस कॉजेज हार्मोनल डिसऑर्डर्स. सी आई एम नॉट अ गायनेक, आई डोंट हैव मेडिकेटेड नॉलेज अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स. तो मैं ये सब नेट से देख के ही बता रही हूँ. मैं मेन चीज़ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, वो चीज़ मेरा पर्सनल रहेगा. बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो ये डेफिनेशन से नॉर्मल बता रही हूँ वो सिर्फ मैं नेट से देख के बता रही हूँ. तो यू कैन ऑल्सो रिसर्च इट, यू कैन ऑल्सो गूगल इट, यू कैन कॉन्टैक्ट योर गायनेक, या मतलब अगर आपके पास कोई रिलेटिव्स हैं जो गायनेक है आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टू गेन ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. सो या इट इज़ कॉज्ड बाय हार्मोनल डिसऑर्डर्स विच इन टर्न कॉसेस सिस्ट इन ओवरीज. सो बेसिकली आपको जो ओवरीज रहते हैं ना, जिनके वजह से आपको एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनके वजह से हम प्रेग्नेंट हो पाते हैं या जिनके वजह से हमको पीरियड्स आ पाते हैं, तो वो ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं. सिस्ट इज़ लाइक फोड़ा फोड़ा, जैसे मुझे इतना फोड़ा फोड़ा हो रहा है फेस पे, वैसे ओवरीज में भी कुछ सिस्ट हो जाते हैं जो कुछ सेंटीमीटर या कुछ डायमीटर के होते हैं. ऑल्सो आई एम नॉट डन माई स्किन केयर राइट नाउ, मैंने जस्ट नहाया है. तो आई ऑल्सो डू माई स्किन केयर साइमल्टेनियसली विथ यू गाइज, तो मैं बताती भी जाऊँगी कि मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. फर्स्ट स्टार्टिंग विथ अ सीरम, बहुत ड्राई ड्राई लग रहा है मुझे फेस, एंड इसको डैम स्किन पे नहीं लगाना था, तो आई वॉज वेटिंग कि मेरा फेस थोड़ा ड्राई हो जाए. दिस इज़ डीकंस्ट्रक्ट का क्लियरिंग सीरम विथ 2% अल्फा एब्यूटेन एंड 5% नायसिनमाइड. ये मैं सेकेंड बॉटल यूज़ कर रही हूँ एंड लुकिंग फॉर सम रिजल्ट, बट आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद द सीरम अभी, तो मुझे इतने कुछ रिजल्ट इससे दिख नहीं रहे हैं. मुझे मल्टी टास्किंग नहीं आता है. हाँ, सो यू कैन सी मैं जब भी कुछ भी लगाती हूँ ना मेरे फेस पे या फेस धोती हूँ तो मेरा फेस पूरा लाल हो जाता है. This is because of I was on tretinoin, most of you know, guys know, and मैंने वो बंद कर दिया था. मुझे वो बंद करना पड़ा था क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि मुझे tretinoin से बहुत ज़्यादा sensitive skin हो गई थी and ये redness का problem हो गया था. basically मुझे eczema and dermatitis हो गया था, तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था tretinoin बंद use करने से. इस वजह से मेरी skin पूरी लाल हो जाती है रोज़ के रोज़. बट कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज इट हैपन, वाई डज PCOD और PCOS हैपन टू गर्ल्स एंड वुमेन. तो इसके बहुत सारे रीजन्स हैं. ये चाइल्डहुड ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है. आपका डे टू डे लाइफ में बहुत ही आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हो, या फिर आप इन जनरल आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है कोई भी रीज़न की वजह से, रिलेशनशिप्स हो गए या कोई भी रीज़न हो गया उनके वजह से. यूजिंग द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस फॉर्मूला RX का बैरियर रिलीफ मॉइस्चराइजर. ये मेरा गो टू मॉइस्चराइजर होता है जब भी मेरा स्किन बहुत गंदी कंडीशन में होता है. आई थिंक ये मेरा फोर्थ और फिफ्थ ट्यूब है, सो दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट. सो या और क्या सिचुएशन होते हैं, और अगर आपकी बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे कोविड हुआ था तो हम लोग को बहुत गंदी आदत लग गई थी, हम लोग घर पे ही रहते थे. कुछ लोग मेरे जैसे लोग कुछ करते नहीं थे, फिर सब कुछ बंद हो गया था हमारा, बाहर जाना, हमारा घूमना, तो फिर बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई. अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, आई एम अ डेटा एनालिस्ट इन एक्सेंचर, तो उसमें भी मेरा बैठने का ही काम है बस. और फिर उसके बाद बहुत थक जाते हैं हम लोग, तो कुछ एक्सरसाइज नहीं करते. सुबह मेरी बहुत बचपन से मेरी बहुत गंदी आदत थी, मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाती थी, मैं बिना ब्रेकफास्ट खाए स्कूल जाती थी. एंड मेरे घर में भी इतना कुछ था नहीं कि ब्रेकफास्ट खा के जाओ.
तो वो भी एक रीज़न होता है व्हेन यू स्किप मील्स, व्हेन यू स्किप ब्रेकफास्ट. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए, ये आई रियलाइज दिस नाउ. एंड उसके बाद फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना जैसे मैंने बोला, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो ये सारे चीज़ें ना, जो बैड लाइफस्टाइल, जो बैड ईटिंग हैबिट्स, लाइक बहुत जंक फूड खाना, मैं बहुत जंक फूड खाती थी. अभी मैं बहुत पिज्ज़ा खाने लगी थी, जो अभी मैं कम कर रही हूँ. ऑलमोस्ट 2 महीने से मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है. सो ये सब कुछ एड अप होता है, एंड देन इससे भी आपको सिस्ट डेवलप हो सकते हैं ओवरीज में. सो इट्स ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड अभी पीसीओडी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है. लाइक आप हर दूसरी तीसरी लड़के से पूछोगे, उसको पीसीओडी का प्रॉब्लम है. क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल ना कोविड के बाद स्पेशली ऐसी हो गई है कि हम बहुत लेजी से हो गए हैं. लाइक हमको कुछ करने का मन नहीं करता है, करते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं. तो मन सा हट गया है बहुत सारी चीज़ों से बेसिकली. तो ये बहुत सारे सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, बट मेरे रीजंस तो यही थे कि जो मैंने आपको बताया कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी बचपन से, और बहुत मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी मेरा बहुत है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके वजह से हो सकता है. और अभी मेरी लाइफस्टाइल भी बहुत गंदी हो गई थी. सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्या ये हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में बहुत हिंड्रेंस बना देता है, या हम अपना रोज़ का काम नहीं कर पाते हैं, या लड़कियों को और क्या प्रॉब्लम आता है. तो इसके लिए ना मैंने पूरी लिस्ट बनाई है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, जो मुझे फेस होता है या मैंने फेस किया है पहले. तो मैंने ना वो लिख के रखा है, मैं अभी बोलते बोलते भूल जाऊंगी. तो मैंने जो लिखा है मैं आपको वो बताती हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया था, या कैसे मैंने आइडेंटिफाई करना चालू किया था कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ माई बॉडी, वो मैं बताती हूँ. तो थोड़ा बहुत लाइक सीरियस तो थोड़ा बहुत है. लाइक शुरू शुरू में आपको इतना नहीं लगेगा, जैसे पहले की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आई वॉज़ लाइक एक ही तो ज़िंदगी है, खा लेते हैं जो करना है, एक ही तो ज़िंदगी है, आराम कर लेते हैं, रिलैक्स कर लेते हैं, छोड़ देते हैं ये सब सोचना. बट अभी मैं जिस सिचुएशन में मेरी बॉडी आ गई थी, दैट वॉज अ अलार्म. बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे. पहले मैं सिम्टम्स बता देती हूँ कि क्या क्या होता है पीसीओडी से, या आप कैसे पहचान सकते हो. ये फटीग कॉज कर देता है, ब्रेन फॉग कॉज कर देता है. तो मुझे याद है ना कि जब कुछ साल पहले, लाइक आई थिंक 3-4 ईयर्स पहले, जब मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, तो व्हेनेवर आई यूज टू गो फॉर अ वॉक और थोड़ा भी स्ट्रेस चल रही थी, एंड आई वॉज नॉट लाइक दैट. लाइक मैं, मुझमें इतना नहीं था कि फिजिकल एक्टिविटी अगर मैं थोड़ा भी करूँ तो मैं थक जाती थी, मुझे स्वेट आने लगता था. आई स्टार्टेड स्वेटिंग फॉर नो रीज़न, मेरे पाम्स भी स्वेट करने लगते थे, विच वॉज अ इंडिकेशन. बट एट दैट टाइम मुझे पता ही नहीं था कि ये इंडिकेशन है. तो मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया था. मेरा वेट अचानक से बढ़ने लगा था. बट सो ये ना फटीग कॉज करने लगता है जब आप पीसीओडी आपको हो जाता है, ब्रेन फॉग होने लगता है. कुछ लोग ना डिसीजंस मेकिंग उन लोग का ऑलरेडी ख़राब होता है वैसे भी, बट और ख़राब हो जाता है. फिर उसके बाद हम बहुत लो ऑन एनर्जी होने लगते हैं, हमको कुछ भी करने का मन नहीं करता है. कभी कभी तो लिटरली, मतलब मेरे को पता है कि मुझे कुछ काम करना है, बट मैं वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो एनर्जी आ ही नहीं रही है. लाइक मैं मन से उठ ही नहीं पा रही हूँ. वो चीज़ बहुत होता है. मूड स्विंग्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं. लाइक इफ़ आई कंपेयर विद अ नॉर्मल गर्ल और अ नॉर्मल वुमेन, कि उनको पीरियड्स के टाइम पे या नॉर्मली कितने मूड स्विंग्स आते होंगे, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो 10x ही होता है. लाइक मेरा गुस्से का लेवल अलग लेवल पे चले जाता है. मैं बहुत इरिटेट, मैं खुद से इरिटेट हो रही होती हूँ, तो मेरे सामने कोई है तो मैं तो कितना ही इरिटेट होंगी. बहुत इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. लाइक मूड स्विंग्स आई कॉन्ट एक्सप्लेन, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑन इन माई हेड एंड माई बॉडी. तो आई एम जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई फीलिंग्स एट दैट टाइम. उसके बाद हॉर्मोन्स बहुत इधर उधर होते हैं, उस वजह से मूड स्विंग्स होते हैं. हमको कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, कि जैसे कि कुछ विटामिन डी एंड इन सब की डेफिशिएंसीज हो रही हैं, ये भी बहुत ऐड अप कर देती हैं पीसीओडी को. उसके बाद डिले इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो एक मेजर सिम्टम एंड मेजर साइड इफेक्ट है पीसीओडी का, दोनों कह सकते हो आप. क्योंकि आपको जब डिले हो रहा है पीरियड्स में, तब आपको समझ में आएगा कि यस समथिंग इज रॉन्ग. एंड जब आपको पीसीओडी है तो आपको समझ होगा ही वो कि आपको डिले होंगे पीरियड्स. लाइक इफ़ यू मेंटेन अ वेरी गुड लाइफस्टाइल एंड इफ़ यू आर डूइंग ऑल द करेक्ट थिंग्स, देन आपका पीरियड नॉर्मल टाइम पे आना चालू हो जाएगा. अ लॉट ऑफ पेन होता है एब्डोमिनल एरिया में, क्योंकि पीरियड्स जब भी इधर उधर होते हैं ना, तो हॉर्मोन्स इधर उधर हो रहे हैं. अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं टाइम पे, दैट मीन्स कि मूड स्विंग्स होंगे ही.
एंड इसका एक रिजल्ट ये भी होता है कि जब फिर आपको एट द एंड पीरियड आने वाला होता है या जब आ जाता है, इतना ज़्यादा पेन होता है, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन. ओनली गर्ल्स हु हैव पीसीओडी विल बी एबल टू रिलेट टू मी कि दैट पेन इज समथिंग एल्स. लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, लाइक आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस कि पहले मुझे इतना हेयर ग्रोथ तो नहीं आता था, स्पेशली फेशियल हेयर मुझे इतना नहीं आता था, बट जब से मुझे पीसीओडी आइडेंटिफाई हुआ है, आई हैव स्टार्टेड टू ऑब्जर्व दैट बहुत सारा फेशियल हेयर आ रहा है और बहुत सारा लाइक बॉडी हेयर भी आ रहा है, एंड मैं उसको कितना ही रिमूव कर लूँ बट वो आ जाता है बार बार. उसके बाद एक्ने, आई एम अ लाइव एग्जाम्पल फॉर दिस. कुछ लोग को एक्ने का प्रॉब्लम नहीं आता, लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु हैव पीसीओडी बट उनका फेस पूरा क्लियर है. उनको एक दो पीरियड का पिंपल आता है जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, बट मेरा फेस इज लाइक ऑलमोस्ट फिल्ड विद बहुत सारा एक्ने बिकॉज आई हैव हॉर्मोनल एक्ने सिंस आई वॉज इन 8. अभी मैं 26-27 की हूँ, तो मुझे बहुत टाइम से हॉर्मोनल एक्ने का प्रॉब्लम है, वो आ ही जाता है. मैं और मैंने बहुत दवाइयाँ ली है, इतना सब होने के बाद भी लोग हमको बोलते हैं कि तुम बस पीसीओडी को एक एक्सक्यूज के जैसे यूज़ कर रहे हो. बस मैं रोने ना लगूँ. वन मोर थिंग दैट आई हैव आइडेंटिफाइड बिकॉज आई हैव माइग्रेन ऑल्सो. सो अर्लियर आई यूज टू गेट माइग्रेन अटैक्स एंड दे वर वेरी फ्रीक्वेंटली, बट अभी मुझे नॉर्मली माइग्रेन का दर्द तो रहता ही है, हमेशा रहता है मेरे सर में, बट वेन एवर आई एम अबाउट टू गेट माई पीरियड आई डेफिनेटली गेट अ माइग्रेन अटैक एंड इट इज़ नॉट सिमिलर टू अ हेडेक. इट इज़ नॉट वेरी बेरेबल. यू हैव टू टेक अ मेडिसिन टू क्योर इट एट दैट मोमेंट. मुझे लिटरली ऐसा लगता है तब मेरा लास्ट दिन है. मैं उसी उसमें जीती हूँ क्योंकि वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, माइग्रेन का दर्द, ऊपर से वो हॉर्मोन्स की वजह से ट्रिगर हो रहा है. आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ इट फील्स लाइक टू मी. मॉइस्चराइजर लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आई एम अप्लाइंग सनस्क्रीन. आजकल ना मैं 2 बार सनस्क्रीन लगाने लगी हूँ, मज़े रीअप्लाई तो करना होता है, वेरी लेजी टू रीअप्लाई. तो अभी पहले मैं आयुगा की सनस्क्रीन लगा रही हूँ. ये मैं थोड़ा सा लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा लेती हूँ. लाइक आई अप्लाई द नेक्स्ट सनस्क्रीन विच आई एम अबाउट टू टेल, वो मैं ज़्यादा अच्छे से लगाती हूँ. ये वाला मैं थोड़ा सा बस एक लेयर बनाने के लिए लगा लेती हूँ. तो ऐसे मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ. आई नो बहुत गलत तरीका होगा या प्लीज़ डोंट कम एट मी, बट आई जस्ट वॉन्ट टू अप्लाई 2 layers ऑफ सनस्क्रीन एट 1 particular time. इस वजह से मैं ऐसे करती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई इट. बहुत सारे सिम्टम्स मैंने बता ही दिए कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अगर आपका एक्ने बहुत रिकरिंग है मेरे जैसा, जैसे हर महीने मुझे आते ही हैं पिम्पल, मतलब चाहे मुझे पीरियड आया ना आए बट मुझे पिम्पल आ जाते हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. क्योंकि हमारे हॉर्मोन्स एक साइकिल में चलते हैं, गर्ल्स विल नो इट बेटर. उसके बाद डिलेड पीरियड्स, ये बहुत कॉमन साइन होता है. मुझे ना याद है कि जब मुझे स्टार्ट हुआ था एक बार तो आए थे, मुझे 2-3 मंथ्स नहीं आए थे. उसके बाद फिर मुझे आते थे डिलेड पीरियड्स, बट इतना डिले नहीं होता था, लाइक 15-10 days समथिंग इतना डिले होता था. तो जब मैं डॉक्टर के पास गई भी दिखाने के लिए, उन्होंने मुझे कभी भी पूछा है, तो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं नहीं मुझे तो टाइम से आ रहा है, मतलब इतना डिले तो चलता है, आई यूज टू थिंक लाइक दैट. तो मैंने बहुत टाइम तक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट भी नहीं किया था इसका टेस्ट कराने के लिए, बट फिर एक टाइम के बाद डॉक्टर सेड दैट लाइक तुमको बहुत एक्ने आ रहा है हर मंथ, तो यू नीड टू गेट इट टेस्टेड, तो पता चलेगा कि इस अंदर से प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद लॉट ऑफ पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग पीरियड्स, ये मैंने बताया, मूड स्विंग्स एंड पेन बहुत ज़्यादा होता है. स्कैंटी पीरियड्स मीन दैट आपको 2-3 इतना कुछ डेज के लिए आ रहा है, विच इज़ नॉट हेल्दी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स. लाइक यू नीड टू ब्लीड वेरी अच्छे से, लाइक आपको फर्स्ट डे सेकेंड डे तो ब्लीडिंग होनी ही चाहिए. लाइक कुछ लोग को बहुत कम ब्लीडिंग होती है, यू माइट थिंक ओ माई गॉड लाइक दिस इज़ वेरी गुड, बट इट इज़ नॉट हेल्दी. यू नीड टू ब्लीड अच्छे से ताकि आपका पूरा यूट्रस का लाइनिंग पूरा जा रहा है. उसके बाद सडन इंक्रीज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ वेट. आई गेन्ड वेट सो मच इन द रिसेंट ईयर्स, आई कांट इवन बिगिन टू टेल. जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, लाइक आई वॉज लिटरली लाइक दिस, एंड लोग बोलते थे तुम खाना नहीं खाती हो, तुमको वेट नहीं लगता है खाने का, तुमको ये नहीं लगता है वो नहीं लगता है. और अभी मुझे, मैं सांस भी लूँ ना तो मुझे वेट बढ़ जाता है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ. तो बहुत मैंने वेट गेन किया है. ये ज़्यादा सिम्टम्स जो मुझे पर्सनली पता चले हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किए थे,
कुछ और भी लोगों को कुछ और सिम्टम्स होते होंगे, आई एम नॉट श्योर. अगेन आई एम टेलिंग आई एम नॉट अ डर्मेट और अ गायनेक और कुछ भी, लाइक मुझे कुछ नॉलेज नहीं है. मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ जो मुझे लोगों ने पूछा है कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया या मैं क्या करती हूँ. ठीक है, जस्ट डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं. अप्लाई माई सेकेंड सनस्क्रीन, दिस इज डॉटन की का टेंटेड सनस्क्रीन. इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बता चुकी हूँ मैं. सैंड मेरा शेड है, सो आई एम यूजिंग दिस. रिसेंटली आई एम लविंग दिस. लाइक मैं रोज दो कोटा सनस्क्रीन लगाती हूँ. पहले मैं डर्माको वाली सनस्क्रीन लगा रही थी एंड अभी मैं आयोगा वाली सनस्क्रीन लगा रही हूँ. एंड उसके बाद फिर मैं ये 2-3 fingers लगा लेती हूँ, तो ये भी एक शीयर कवरेज भी दे देता है मेरे फेस को, ताकि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर सकूँ. एंड एक टिंटेड सनस्क्रीन तो गुड ही होती है एक एक्ने स्कार पर्सन के लिए, क्योंकि वो ट्रीट करता है उसको थोड़ा बहुत. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट क्योरेबल, या आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा या फिर आप इसको ठीक कर सकते हो. तो आई हैव टेकन 3 fingers, थोड़ा थोड़ा ही लिया है मैंने. सो ये ना बहुत ही, इसके बहुत सारे चीज़ें हैं. अगर आप गायनेक के पास जाओगे, विच ऑफ कॉस्ट लाइक आपको PCOD ट्रीट हुआ है, तो आपको डर्मेट भी बोलेगी कि गेट इट ट्रीटेड बाय अ गायनेक. तो अगर आप गायनेक के पास जाते हो तो फर्स्ट सोल्यूशन जो वो आपको देते हैं, दैट मोस्टली मैंने जो देखा है, दैट इज़ दे रिकमेंड यू अ बर्थ कंट्रोल पिल. ऑफकोर्स आपको पता ही होगा बर्थ कंट्रोल पिल क्या होता है. तो वो आपको कुछ डेज के लिए बर्थ कंट्रोल पिल खाने के लिए देते हैं. इट इज़ नॉट रेगुलरली, लाइक आपको सिर्फ कुछ ही दिन के लिए खाना होता है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो 15-20 days के लिए आई थिंक वो लोग आपको देते हैं. एंड फिर उसके बाद उससे क्या होता है ना कि उससे आपको पीरियड जाने लगते हैं टाइम पे, क्योंकि आपके हॉर्मोन्स थोड़े एक लेवल पे आ जाते हैं एज फार एज आई नो. तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है, बट इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं. आई हैव सीन सम पीपल जिनको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं था, PCOD का प्रॉब्लम था, उन्हें ये बर्थ कंट्रोल लिया एंड उसके बाद उनको एक्ने का प्रॉब्लम चालू हो गया एंड लाइक मेरे जैसा सिस्ट वाला एक्ने आ गया. तो ये सम पीपल एक्सपीरियंस दिस एंड आई पर्सनली आई वाज आल्सो रिकमेंडेड टू नॉट टेक बर्थ कंट्रोल बिकॉज आई ऑलरेडी हैव माइग्रेन एंड उससे फिर मेरे माइग्रेन अटैक्स भी और ट्रिगर होंगे. उसके बाद दूसरा तरीका, रिसेंटली आई हैव बीन गोइंग टू अ गायनेक फॉर कंसिस्टेंटली फॉर चेकअप्स, लाइक क्योंकि मुझे बहुत, मैंने बताया मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी. तो शी वॉज वेरी मैच्योर इनफ आई वुड से दैट शी डिड नॉट रिकमेंड मी अ बर्थ कंट्रोल. शी जस्ट रिकमेंडेड मी टू डू गुड एक्सरसाइज एंड टू गेट फ्यू ब्लड टेस्ट डन. तो उसमें लाइक बेसिकली वो एग्ज एंड सबका आपका जो भी काउंट वगैरह है वो सब उन्हें चेक किया. ये बेसिक टेस्ट होते हैं आपके अगर आपको PCOD का प्रॉब्लम है. मेरी रूममेट को भी है तो उसको भी ऐसे टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए थे. व्हाट शी रिकमेंडेड वाज टू ईट गुड फूड, लीव जंक फूड, टू योगा, टू डू एक्सरसाइज एंड थोड़ी बॉडी स्ट्रेच करो, रोज थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो, मील्स के बाद वॉक करो. ये तो बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं क्योंकि उससे आपको जो इंसुलिन लेवल होता है ना वो थोड़ा कम होता है. तो कुछ लोग को, मेरे जैसे लोग, मुझे बहुत शुगर क्रेविंग होता है, लाइक आई एम अ वेरी स्वीट टूथ इन जनरल, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग भी होने लगा था. तो ये उसको भी थोड़ा कंट्रोल करने में मदद करता है एंड आपका लाइक थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही रहा है तो उसमें भी हेल्प करता है. एंड थोड़ा स्ट्रेस कम करो, ये बहुत बोलना बहुत ईजी होता है बट होता नहीं है. फिर उसके बाद टू लीव बैड ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि मैंने बोला, एंड टू मेंटेन अ गुड स्लीप शेड्यूल. लाइक आपका ना स्लीप शेड्यूल बहुत ही फिक्स होना चाहिए. आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए एंड जिस टाइम पे सो रहे हो लाइक रोज उसी टाइम पे सोना चाहिए. ऐसा मैंने रील्स वगैरह में बहुत देखा है कि ये सोल्यूशंस होते हैं जो लोगों को हेल्प किया है, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन दिस. I have applied Dotton Key का tinted sunscreen. You can see it has given me a sheer coverage. Like पूरा एकदम इसने कवर नहीं कर दिया है, बट पहले से मेरा स्किन बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है. तो आई एम फीलिंग मच कॉन्फिडेंट. आपका इंस्टेंट आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. तो आई रियली लव दिस सनस्क्रीन. दिस सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी गुड, डेफिनेटली चेक दिस आउट. तो ये सारे सोल्यूशंस थे जो मुझे डर्मेट ने पर्सनली बताए हैं करने को. एक और सोल्यूशन ऑफ कोर्स जो मेन सोल्यूशन रहता है, जो कब हम लोग को बुरा लगता है कभी कभी, बट इट इज़ डेफिनेटली ट्रू, दैट इज़ टू रिड्यूस योर वेट. टू रिड्यूस द वेट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वेट बहुत ही
लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट वो बहुत ना रिजिड रहता है, वो नहीं इतना ईजिली कम होता है सबको ही, तो हम कुछ भी कर लें वो नहीं जाता है. आई एम ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है उससे मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ रहा है. आई हैव सीन दिस इन इंस्टाग्राम रील्स अगैन, कि थोड़ा जितना भूखे उससे थोड़ा कम खाना खाओ. आप जब कैलोरी डेफिशिएंट जाओगे तो ही आपका वेट थोड़ा धीरे धीरे कम होना चालू करेगा विद ऑल द अदर गुड हैबिट्स दैट यू आर इनकॉर्पोरेटिंग. दीज वर ऑल द थिंग्स विच आई एम आस्क्ड टू डू. अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेन क्वेश्चन जो मुझे लोगों ने पूछा था, लास्टली हम उस पर आते हैं. सो ऑनेस्टली As I said, whatever I am doing is not going in the correct direction. And पहले तक तो मैं कुछ कर भी नहीं रही थी. I literally lost hope in last few years and month. क्योंकि मैं पहले जो भी कर रही थी ना, वो सब मैं ब्रोकली खाती थी, मैं सैलड खाती थी सॉटे करके, बट कुछ भी नहीं कर रहा था मुझे हेल्प एक्ने में एंड मेरे PCOD में. तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था. फिर आई वॉज लाइक, एक ही तो जिंदगी है, जो खाना है खाऊंगी, जो करना है करूंगी. बट फिर उसके बाद अभी मेरी वापस से बॉडी की बहुत गंदी हालत हो गई थी. तो आई स्टार्टेड टू अगेन डू स्मॉल स्मॉल थिंग्स फॉर माई सेल्फ. जैसे कि सुबह मैं उठती हूँ तो पहले मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि 2 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए आपको, लाइक अ लिटिल वार्म वाटर, वो मैं पीती हूँ ताकि उससे थोड़े टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलेंगे एंड इट इज़ रियली गुड. उसके बाद वॉट लाइक थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग के लिए पहले तो मैं कुछ खा लेती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल बनानाज, एंड मैं रात में अनार छील के रख लेती हूँ क्योंकि आई लिव अलोन, मम्मी छील के नहीं देंगी, यहाँ पे खुद ही छीलना पड़ेगा. तो मैं खुद के लिए पोमोग्रेनेट छील के रख लेती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक दैट फ्रूट एंड मुझे वो अच्छा लगता है खाने में. आपको जो भी फ्रूट अच्छा लग रहा है वो खा सकते हो. सुबह तो मैं वो खाती हूँ. फिर उसके बाद आई एम स्टार्टिंग टू डू सूर्य नमस्कार टू स्ट्रेच माई बॉडी अ लिटिल बिट. उसके बाद आई स्टार्टेड टू डू डांस वर्कआउट. तो मैंने ना पहले, जैसे मैंने बोला कि मैंने बहुत बार ट्राई किया एक्सरसाइज वगैरह करने का, तो मैं ना बहुत ही कार्डियो वाली एक्सरसाइज क्योंकि मैं पहले भी करती थी, तो मैं अभी फिर से वो बीच में मैं स्टार्ट कर ली थी. एंड अभी क्योंकि मेरी बॉडी इज़ मोर डिफरेंट देन पहले जैसी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाती हूँ, मेरी सांस फूलने लगती है. तो फिर मैं भले वो 1-2 दिन कर लूँगी, बट आई विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद इट. इफ़ आई एम नॉट बींग कंसिस्टेंट विद एनी थिंग, तो इट विल नॉट शो रिजल्ट, दैट इज़ अ लाइक फैक्ट. तो मैंने अभी वो बंद कर दिया है. अभी मैं डांस वर्कआउट करती हूँ, विच इज़ ऑल्सो वेरी वाला थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि बॉडी को रोज़ इतनी आदत नहीं है कुछ एक्सरसाइज करने की, ताकि मेरा ब्रीदिंग एकदम सही पोजिशन में रहे जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ. तो मैं डांस वर्कआउट से स्टार्ट करी हूँ. तो मैट फिट, मैं यहाँ पे चैनल डाल दूंगी, इज़ अ वेरी गुड यूट्यूब चैनल. शी पोस्ट एक्सरसाइजेज ऑल्सो एंड शी पोस्ट डांस वर्कआउट ऑल्सो. आई फाइंड इट वेरी गुड टू डू सम डांस, ताकि मेरा जब 10 बजे ऑफिस चालू होने वाला होता है तो मैं उससे पहले मेरा थोड़ा एनर्जी वाला चीज़ आ जाता है, थोड़ी बॉडी एक्टिव हो जाती है. ऑल्सो वन मोर थिंग, क्योंकि मेरा 10 बजे सुबह चालू हो जाता है ये, तो आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली. जिसको पहले पता होगा, मैंने पता है कि मैं बहुत लेट उठती थी, लाइक बहुत ज़्यादा लेट उठती थी. एंड अभी आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँ ऑफिस स्टार्ट होने से पहले, ताकि मैं जो ये मेरे बाकी काम है मैं वो कर लूँ. तो मैं एटलीस्ट ये डांस वर्कआउट करके ख़त्म कर लेती हूँ 10 बजे तक. उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ कुछ खाने का मेरा चालू होता है. तो आई हैव ड्राई फ्रूट्स, आई हैव डेट्स, लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स वेरी हेल्दी जो मैंने लेके रखा है, वो मैं थोड़ा थोड़ा चर लेती हूँ. सो नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज ट्राइंग टू अवॉइड मिल्क, डेयरी एंड शुगर आइटम्स, लाइक प्रोसेस्ड शुगर आइटम्स. वी कैन टेक शुगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, बट नॉट लाइक इन द फॉर्म ऑफ चाय, कॉफ़ी एंड चॉकलेट्स. चॉकलेट्स तो मेरे नहीं छूट रहे हैं, बट हाँ जो भी हम ट्राई कर सकते हैं वो. देन जैसे कि मैंने बोला कि मैंने 2 महीने ऑलमोस्ट से पिज़्ज़ा नहीं खाया है, ऑलमोस्ट से, तो मैं मैदा ट्राई कर रही हूँ अवॉइड करने का. बट मुझे वड़ा पाव आजकल बहुत क्रेविंग, क्योंकि मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रही हूँ तो मुझे वड़ा पाव खाने का मन करता है. बट यस, एज आई सेड, आई एम टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स. तो जहाँ मैं कर सकती हूँ कम, लाइक वेर आई फील कैन आई दैट आई कैन कंट्रोल, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल. आई एम नॉट ट्राइंग टू पुश माई बॉडी अ लिटिल वेरी मच, बिकॉज फिर वो ना एक टाइम के बाद गिव अप कर देगी और फिर मैं फिर सब कुछ छोड़ देती हूँ करना. तो आई एम नॉट ट्राइंग टू डू दैट, लाइक आई एम ट्राइंग टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, विच इज ऑफकोर्स नॉट शोइंग रिजल्ट बिकॉज यू कैन सी माई
face is filled with acne. So yes, it will take some time, I know. Of course, one more thing, to calm down the body and to calm down the mind, because I am an overthinker in general. So meditation is a good thing to do. And उसके बाद एक और चीज़, spearmint tea मैं consume करी थी. Like I liked that tea. मैंने Amazon से मंगाया था. I'll link that down in the description box. तो वो ना बहुत ही minty minty है. तो I also feel कि वो थोड़ा मेरे mind को calm down करने में मदद करता है. उसके बाद दिस योगा एक्सरसाइज आई टोल्ड यू. वन मोर थिंग, टू ईट ग्रीन्स, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी क्योंकि मैं सब्जियां नहीं खाती थी, बट अभी मैं थोड़ा थोड़ा खाना चालू कर रही हूँ. लाइक आई कैन ईट पालक एंड ऑल, पालक भिंडी ये सब मैं खा लेती हूँ. जो बाकी ग्रीन सब्जियां हैं वो मैं नहीं खाती. तो आई एम ट्राइंग टू ईट थोड़ा थोड़ा. अभी सोना टाइम से, पहले मैं बहुत ज़्यादा लेट सोती थी, अभी मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ जल्दी, लाइक थोड़ा सा जल्दी सोने का. एज आई सेड कि एकदम से तो मेरी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगी, तो थोड़ा आधा आधा घंटा करके मैं रिड्यूस कर रही हूँ अपने सोने का टाइम. वन मोर थिंग दैट आई सीन इन दिस इंस्टाग्राम एंड ऑल, कि जो सीड्स होते हैं ना, फ्लैग सीड्स हो गए, चिया सीड्स, मतलब बहुत सारे जो सीड्स होते हैं, वाटरमेलन, पम्पकिन सीड्स एंड ऑल, वो सब के आपको कंज्यूम करना चाहिए. तो आप अगर आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो तो आप उसके लड्डू बना सकते हो. तो आई हैव बॉट दी सीड्स सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव टू मेक लड्डूज, क्योंकि मुझे पता है मे बी आई एबल टू ईट लड्डू, लाइक मैं ऐसे गल्प करके भी खा सकती हूँ उसको. तो आई हैव टू डू दैट. आई सीड्स शो अ वेरी गुड रिजल्ट. लाइक मैं म्यूसली खा रही थी एक टाइम पे, एंड उसमें भी पम्पकिन सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स ये सब थे, एंड उस टाइम पे स्टिल मेरा पीरियड बहुत रेगुलर था, क्योंकि दीज सीड्स आर वेरी गुड इन प्रोटीन एंड एक्सेट्रा सिंग थिंग्स, सो दे डू हेल्प अ लिटिल बिट टू रेगुलेट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल. दीज वर ऑल द पॉइंट्स अबाउट पीसीओडी जो मुझे पता था. आई एम स्टिल गिविंग अ डिस्क्लेमर कि मैं बहुत चीज़ में गलत हो सकती हूँ, डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली. If you are not going to a gynec or a dermat very regularly, तो start going to a dermat or gynec if you think that you have a problem in your body. And I hope I help you in a small bit, at least कुछ भी आपको information मिली हो मुझसे. अगर मिली होगी तो please नीचे कुछ comment कर देना यार, ताकि मुझे पता हो कि मेरी ये video बनाने का कुछ तो किसी को help मिल रहा है. Last thing which I am applying is this Sugandha का कैलेंडुला लिप बाम. इसमें SPF है, कुछ शाइन नहीं आता है इससे, बट बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है एंड SPF है तो अच्छा ही है. दीज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव यूज्ड फॉर माय स्किन केयर, डे टाइम स्किन केयर. अभी शाम ही हो गई ऑलमोस्ट. होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड सो प्लीज कॉमेंट समथिंग नाइस, एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो इफ यू हैवंट, एंड लाइक एंड शेयर कर देना. आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो वेरी वेरी सून. टिल देन, बाय गाइज.